का लेकर के और यहाँ पे लगा कर पेट में फिल कर दो, ठीक है, या मेथी के ढेर सारे दाने लगा बना के और पेट में लगा के और आप यहाँ पे बांध दीजिए। ये आपका हेड ने अभी बताया था, यही पॉइंट उतार करके यहाँ पे आप पीला पेंट लगा सकते हैं, या यहाँ पे ग्रीन कलर, क्या लगाएंगे, ग्रीन कलर, नोजिया वोमिटिंग कोई भी इस तरह की अपच इनडाइजेशन प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कैसे ये टच करना है, ढूंढने का तरीका देखिए, रिंग फिंगर को टच करेंगे, जहाँ पे रिंग फिंगर आपकी टच हो रही है ये भी टिका करके, ये चैनल है आपको डम्बल टिक्कर और ये आपका कोशिश, ठीक है, ये तीनों आपके तीन चार चने में के दाने में कवर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अपर अपर थोरेसिक है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है आपके बैक साइड में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ट और लंग्स आता है बैक टू पॉइंट, ठीक है, वो आप ये करेंगे या ये करेंगे, ये ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था आपको स्कैपुला अपर थोरेसिक रीजन ही आपका जो है हार्ट का बैक टू आता है, हार्ट है इसी के जस्ट पीछे, किसी को हार्ट अटैक पड़ रहा हो जस्ट इसी के पीछे यहाँ पकड़ करके बैठ जाइए बैक साइड में, ठीक है, तुरंत आराम मिल जाएगा, या वहाँ मालिश कर दीजिए तुरंत आराम मिलेगा, या फिर सर ने अभी बताया था आपको कंसंट्रेशन का पॉइंट बताया था ध्यान है, एक सर ने बताया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका एंटीना पॉइंट टावर यही है आपका, ठीक है, ये आपका एंटीना है जो कि आपका एटमॉस्फेयर से सीधे जोड़ता है आपको, और दूसरा बताया था आपका स्मॉल फिंगर बताया था ना, तो ये आपका स्मॉल फिंगर में जो है यहाँ पे अगर आप तेजी से प्रेशर दे दें किसी को हार्ट अटैक पड़ रहा हो ये पकड़ करके बैठ जाइए तुरंत, पेशेंट अगर फेंट भी होगा तो उठ बैठ जाए अपने होशो आवाज में आ जाएगा विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता, हमने कई ट्रीटमेंट किए हैं इसलिए बता रहे हैं आप, ये नोट कर लीजिए आपको जीवन में काम आएगा, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, ठीक है, नेल प्लेट के पास से और प्रेशर अच्छा होना चाहिए, जैसे देखिए इनको हम दबा के दिखाते हैं, ये है आपका लेफ्ट स्मॉल फिंगर और यहाँ पे अच्छा प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, आप दबाइए और दबा करके देखिए वहाँ पे आपको पेन मिलेगा, जिसका हार्ट मजबूत होगा उसको नहीं मिलेगा, लेफ्ट स्मॉल फिंगर हमेशा ध्यान रखें, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, ठीक है,